और तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो एसोस जो कंपनी है उसने अपना एक मिड रेंज स्मार्टफोन जो कि बजट स्मार्टफोन है जिसका नाम है एसोस जेनफोन मैक्स प्रो M1 उसको लॉन्च किया है, जो कि सीधा सीधा यार हमारे रेडमी के नोट 5 प्रो को टक्कर देता है। तो यहाँ पर शाओमी को जो है यहाँ पर सीधे सीधे ये रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है एसोस। यहाँ पर बहुत बेहतरीन कोई शक ही नहीं है, यहाँ पर जो है प्राइस के अकॉर्डिंग ये फ़ोन बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिलता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि आपको इस स्मार्टफोन में नहीं मिलते हैं, और अगर वो फीचर्स आपके लिए प्रायोरिटी हैं एक स्मार्टफोन में जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं ये फीचर्स, तो डेफिनेटली यार इस वीडियो को देखिए और उस फ़ोन को ख़रीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कि देखिए यहाँ पर इस वीडियो में मैं इस फ़ोन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन फीचर्स को बताने जा रहा हूँ जो कि इस फ़ोन में नहीं मिलते हैं। हालाँकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको इस फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें पहले ही दे दी गई हैं, तो यहाँ पर इन फीचर्स को नहीं दिया जाए तो यहाँ पर बुरी बात नहीं है। ये फ़ोन जो है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो बस यार बस मैं कुछ इस फीचर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इसमें नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। ओके फ्रेंड्स देखिए अगर आप एक स्मार्टफोन में चाहते हैं फास्ट चार्जिंग तो यहाँ पर ये फ़ोन आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। तो यार ये फ़ोन ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 14,000 रुपये में आपको रेडमी नोट 5 प्रो में फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिलता है। हालांकि वहाँ पर आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है, साथ में उसके लिए आपको अलग से जो है बाय करना पड़ेगा कि एडेप्टर जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो, तो आप उसकी तरफ स्विच कर सकते हैं अगर आप फास्ट चार्जिंग आपकी प्रायोरिटी है उन फीचर्स में से जो कि आपको चाहिए ही चाहिए आपके स्मार्टफोन में, तो थोड़ा देखिए। तो जो अगला फीचर है वो है यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर जो इस फ़ोन में कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है, यानी आपके जो स्क्रीन है वो टूट सकती है। तो यहाँ पर ये फीचर आपको खैर इस प्राइस रेंज में नहीं मिलता वैसे तो जनरली, लेकिन यहाँ पर जो है शाओमी ने शायद आपको दिया था, लेकिन यहाँ पर कहा तो गया था लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। रेडमी नोट 5 प्रो में आपको शायद मिलता है या नहीं मिलता, या बाकी कोई स्मार्टफोन है जिसमें कि आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलती है या नहीं, तो वो देखने वाली बात अलग है। लेकिन इस फ़ोन में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है, यानी कि अगर आप जो है रफ़ हैंडलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अपने फ़ोन को कहीं भी पटक देते हैं ये वो कर देते हैं, आपकी आदत नहीं है बहुत प्यार से रखने की अपने स्मार्टफोन को, तो यहाँ पर ये है जो है आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलती। और आपको इस फीचर को भी ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए फ़ोन आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। और यहाँ जो लास्ट चीज़ है जो कि आपको इस फ़ोन में नहीं मिलती है वो है IR ब्लास्टर, क्योंकि यहाँ पर जो है Xiaomi के सारे स्मार्टफोन पर आपको मिलता है। Xiaomi को छोड़ के बाकी कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो कि आपको IR ब्लास्टर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो IR ब्लास्टर मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा काम का भी नहीं होता है। यहाँ पर IR ब्लास्टर आप सिर्फ स्मार्टफोन से सभी अप्लाइंसेस को नहीं कर पाते, कुछ कुछ अप्लाइंसेज होते हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर पाते हैं इस IR ब्लास्टर के होते हुए भी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है IR ब्लास्टर। तो यहाँ पर अगर आप IR ब्लास्टर भी उन फीचर्स में से जो कि आपको अपने स्मार्टफोन में चाहिए ही चाहिए, तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। बस यही तीन चीज़ें हैं, और ये तीन चीज़ें वो हैं जो कि आपको नहीं देखने को मिलती इस स्मार्टफोन में, और बस यही वीडियो में था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, यही वो फीचर्स थे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इसे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, दोबारा से मेरे चैनल सब्सक्राइब हो, साथ ही बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन से दबाना होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और मिस भी मत करा करिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।